Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start with our second chapter, part one, and the chapter is the sound of music. In this chapter we do have two parts. So part number one, we are going to start with the reading of the book NCERT from your book. So Evelyn Glennie listens to music without hearing it. So the protagonist of this part one is Evelyn Glennie. So Evelyn Glennie listens to sound. She listens to a sound, to music, without hearing it. वो सुन लेती है, आवाज को सुन लेती है म्यूजिक की, without hearing it, बिना उसको सुने. उसको साउंड सुनाई देती है बिना उसको श्रवण किए. मीन्स टू से दैट शी वाज फिजिकली डिसेबल्ड एंड वी कैन से दैट शी कैन शी इज फिजिकल डिसेबल्ड बाय हर इयर्स ओनली. सो बिफोर यू रीड वी डू हैव सम पॉइंट्स दैट वी नीड टू बी डिस्कस नाउ. सो हियर वी डू हैव गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक something extraordinary. Means God, Bhagwan, may have taken her hearing. भले ही भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति, उसके सुनने की शक्ति ले ली है, but he has given her back something extraordinary. किंतु उसने उसे कुछ विलक्षण वस्तु अवश्य दे दी है, कुछ एक्स्ट्रा ही दिया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज उसको प्रोवाइड की है जिससे वो लाइफ में अपने वर्ल्ड में अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बना पाए. एंड व्हाट वी हियर शी फील्स, व्हाट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दैट, कि जो चीज हम सुनते हैं, जो चीज हमारे अंदर सुन के आती है, शी फील्स, वो उस चीज को फील करती है, अनुभव करती है, महसूस करती है. Far more deeply than any of us. और हमसे भी, हम सब में से भी, किसी से भी बहुत अधिक deeply, गहराई से. मतलब इतना हम उस चीज को सुन नहीं पाते जितना वो उस चीज को सिर्फ महसूस कर लेती है, पूरी उस बात की गहराई तक, उस साउंड की गहराई तक. That is why she expresses music so beautifully. इसीलिए she expresses, वो express करती है, वो व्यक्त करती है म्यूजिक, म्यूजिक को सो ब्यूटीफुली. इसी कारण से वो संगीत को, वो म्यूजिक को इतनी सुंदरता से एक्सप्रेस कर पाती है, इतनी सुंदरता से व्यक्त कर पाती है. सो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी. हम एक ऐसे ही व्यक्ति का वर्णन आज पढ़ेंगे जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी, अपने शारीरिक अवस्था के विरुद्ध होकर लड़ाई एक लड़ी, फॉट अगेंस्ट, लड़ाई एक लड़ी है उसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और उसने अपने जीवन की कहानी को बहुत ही सफल बनाया है. सो नाउ वी डू हैव द फर्स्ट पैराग्राफ. रश आर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. Rush are crowds jostle for position on the underground train platform. बढ़िया स्थान प्राप्त करने के लिए व्यस्त समय की भीड़, भूमिगत प्लेटफॉर्म, मतलब जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की कर रही है. रश आर क्राउड्स, मतलब बहुत ही, मतलब रश है, क्राउड्स, भीड़ है बहुत ही ज्यादा. तो भूमिगत जो अंडरग्राउंड रेलवे है प्लेटफॉर्म, उस पर कंप्लीटली जो है वो धक्का मुक्की हो रही है. अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी दुबली सी लड़की. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर then her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक छोटी सी दुबली सी लड़की जो अपनी एज 17 से भी बहुत छोटी लग रही थी, she was very nervous,
वो नर्वस थी येट एक्साइटेड, बट एक्साइटेड भी थी एज शी फेल्ट, क्योंकि उसे जैसे महसूस हो रहा था ना कि जो ट्रेन है वो उसके पास आ रही है, तो उसकी ट्रेन के पास आने की वाइब्रेशन से वो थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी एंड एक्साइटेड भी थी, बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिशियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, क्योंकि ये उसका पहला दिन था उस प्रसिद्ध अकेडमी में जो लंदन में है, जो क्या है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के नाम से है, वहां पर उसको फर्स्ट डे था आज। फॉर एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फॉर अ स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटलैंड के फार्म से आई किसी नई जो है ना वो नई लड़की थी, टीनेजर में नई किशोरावस्था की लड़की थी, और ये फर्स्ट टाइम उसके लिए था, तो ये उसके लिए बहुत ही डॉन्टिंग, बहुत ही डराने के लिए बहुत पर्याप्त था कि फर्स्ट टाइम कोई स्कॉटलैंड की बहुत टीनेजर एज में कोई लड़की जो है वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रही है, तो ये भी एक डराने वाली उसके लिए, एक अंदर से डर कम पैदा करने के लिए एक बात थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीव, बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन जो संगीतकार था फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन, संगीतकार के सामने तो औरों से भी बड़ी चुनौती थी, शी वॉज प्रोफाउंडली डीव, बट ये अब उस म्यूजिशियन के लिए उससे भी बड़े जो है चैलेंज की बात थी, दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डीव, क्योंकि वो बिल्कुल बहरी थी। अब एक बहरी लड़की को एज अ म्यूजिक कंपनी में लेकर जाना, एक म्यूजिक एकेडमी में लेकर जाना, तो ये तो उस संगीतकार के सामने तो औरों से भी ज्यादा बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था उसके लिए कि वो एक ऐसी लड़की को लेके जा रहा है, द शी वॉज दैट वॉज प्रोफाउंडली डीव। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ, एवलीन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मीन्स टू से एवलीन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, कि जो एवलीन ग्लेनी है उसकी जो श्रवण शक्ति थी, उसकी जो हियरिंग पावर थी, हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उसकी जो मदर थी रिमेम्बर्स, उसको आज भी याद आती है वो चीजें कि उसने नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, कि उसने कभी नोटिस किया कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलीन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की एवलीन, 8 साल की एवलीन पियानो बजाने की वेट में थी, मतलब प्रतीक्षा कर रही थी कि उसका उसका नंबर आएगा और वो पियानो जो है वो प्ले करेगी। सो दैट 8 ईयर ओल्ड एवलीन उस टाइम जो है वो वेट कर रही थी अपनी टर्न का। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, दे कॉल्ड हर नेम, वो उसका नेम जो है वो बार बार बुला रहे थे एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। एक्चुअली इट वॉज फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, दैट फर्स्टली तो शी वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न, बट वेन दे कॉल्ड हर नेम शी डिड नॉट मूव। देन हर मदर Noticing that something was wrong, something doing very wrong, that what had happened, कि पहले तो अपनी टर्न का वेट कर रही है और अब वो उसका नाम जब बार बार बुलाया जा रहा है तो वो क्या कर रही है, हिल ही नहीं रही है। आई सडनली रियलाइज शी डिड नॉट हियर्ड, आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड, मैंने अचानक से महसूस किया कि उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। सेज किसने बोला, इज़बेल ग्लेनी ने, सो इट मींस वी कैन से दैट इज़बेल ग्लेनी वाज हर मदर।
बिकॉज इट वॉज फर्स्ट नोटिसिंग बाय हर मदर ओनली कि उसको तो सुनाई ही नहीं दे रहा. फॉर क्वाइट अ वाइल इवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. काफी समय तक एवलीन अपनी सहेलियों के साथ, अपने टीचर्स के साथ अपने बहरेपन को छुपाने में सफल रही. मतलब बहुत टाइम तक तो उसने कोशिश की कि वो अपनी जो बढ़ती हुई बढ़ता हुआ जो उसका बहरापन है वो किसी ना किसी तरह से मैनेज कर ले कि किसी को पता ना चले. बट बाय द टाइम शी वॉज एवलीन हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज टू पेरेंट्स हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. बट जब वो थोड़ा सा और मतलब थोड़ी सी और जब इंक्रीज हुई, जब वो 11 इयर्स की हुई, तो उसके जो बताया जाता है कि जब वो 11 वर्ष की हुई तो उसके जो मार्क्स थे ना वो कम आते गए. और उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी, उसने उसके पेरेंट्स से, उसके माता पिता से मतलब रिक्वेस्ट की, आग्रह किया कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. तब जाकर पता चला कि उसकी जो सुनने की शक्ति थी ना, उसके धीरे धीरे उसके नर्व सिस्टम के खराब होने की वजह से उसकी जो हियरिंग पावर है ना, वो भी बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर तरीके से बिगड़ चुकी है. उसके नर्वस सिस्टम से पता चला कि जैसे जैसे वो जो है ना वो धीरे धीरे खराब हो रही थी, तो उसकी वजह से जो उसकी हियरिंग पावर थी ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हो रही थी. ओके, देन दे आर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर डीफ. तो उनको परामर्श दिया गया कि अब उसे श्रवण यंत्र लगाया जाए, जो हियरिंग एड्स होता है ना कान में लगाने वाला, अब उसे वो लगाया जाए और उसे उस विद्यालय में भेजा जाए जहां पर बहरे बच्चे जो है वो पढ़ते हैं. ठीक है. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn कहती है कि अब हर जगह मुझे अंधेरा दिखाई देने लगा. It means now she was completely disappointed. उसको अचानक सब कुछ अंधेरा अंधेरा जो है वो दिखाई देने लगा, अर्थात वो निराश होने लगी. Evelyn ने ऐसा कहा. But Evelyn was not going to give up. लेकिन Evelyn जो थी उसने कभी हार नहीं मानी. वो हार मानने वालों में से नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. शी वॉज डिटरमाइंड. उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अपना जो जीवन है, अपनी जो लाइफ है, वो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल लाइफ जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट, और अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को जो है वो जारी रखेगी म्यूजिक लाइन. One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन उसने देखा, उसने गौर किया कि एक लड़की जो है ना वो xylophone जो है वो बजा रही है. And decided that she wanted to play it too. और फिर उसने decide किया कि अब वो भी उसको play करेगी, xylophone बजाएगी. Most of the teachers discouraged her. बहुत सारे teachers ने उसको निरुत्साहित किया कि वो नहीं बजा सकती, उसको तो सुनाई नहीं देता, वो कैसे करेगी. तो इस तरह से उसको डिमोटिवेट किया बहुत सारे टीचर्स ने. बट लेकिन उनमें से एक जो था परक्यूनिस्ट, जिसको हम ताल वादक बोलते हैं, रॉन फॉब्स, उन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल को पहचाना, उसकी योग्यता को पहचाना कि उसके अंदर वाकई में इतनी काबिलियत है कि वो इस चीज को सीख सकती है. सो ही बिगन टू ट्यून इट टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. अब बहुत सारे टीचर्स ने उसको बहुत ही डिसअपॉइंटेड किया. बट देन ऑल्सो वन टीचर रॉन फॉब्स बिगिन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने दो डिफरेंट नोट्स से टू ड्रम्स को बजाना स्टार्ट किया कि एक ड्रम को वो हाई नोट पे बजा रहे हैं और दूसरे को वो लो नोट पे बजा रहे हैं, टू सेंस इट सम अदर वे, ताकि वो
मतलब किसी और तरीके से महसूस कर सके उस म्यूजिक को। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उसको कहा गया कि उसको अपने कानों से नहीं सुनना है। सडनली वेट, आई ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, उसको किसी और पार्ट से, बॉडी पार्ट से महसूस करने की कोशिश करो, ऐसा इवलिन को कहा गया। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब उसने कहा कि थोड़ी देर में मुझे समझ में आने लगा कि मेरे कमर के ऊपर वाले भाग से ना वाइब्रेशन हो रही है ना, तो यानी कि जो है वो जो बड़े ढोल का को मैं ऊपर के कमर के ऊपर, वो छोटे ढोल को वो कमर के नीचे वाले भाग से अनुभव जो कर रही थी, मतलब वो फील कर रही थी कि अगर हाईर ड्रम बज रहा है तो वो मुझे कमर के ऊपर वाले हिस्से से महसूस हो रहा है, और अगर नीचे वाला छोटे वाला बज रहा है तो वो मुझे नीचे की तरफ से महसूस हो रहा है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। रॉन फोर्ब्स ने इसी एक्सरसाइज को रूटीन में दोहराया। एंड सून एवलीन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नॉट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। उसके बाद एवलीन ने खुद महसूस किया, वो कर पाई इस बात को कि कुछ पर्टिकुलर नोट्स जो हैं वो अपनी बॉडी पार्ट के से वाइब्रेशंस के थ्रू भी महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा, मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर की ध्वनियों को से होने वाली वाइब्रेशन को प्रति अपने आप को खोलना जो है वो सीख लिया था, कि कैसे मुझे खुल के सब कुछ सीखना है। द रेस्ट वो श्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब जो मेन रोल था उसको सिखाने में, वो सबसे पहला रोल था रॉन फॉब्स का, बट धीरे धीरे जो चीजें उन्होंने सीखी सीख ली, बट अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उसको डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क की जरूरत थी वो उसने लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, और डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क की जरूरत थी और उसने वही दोनों चीजें लगाई, और उसने तब भी अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस को अचीव किया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस समय से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसने एक यूथ, एक युवा ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स के साथ यूनाइटेड किंगडम यूके की यात्रा की, ट्रेवल किया। ओके, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, तब वो सिर्फ 16 साल की थी। नेक्स्ट, देन शी हैड टू डिसाइड, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तब उसने डिसाइड किया कि अब वो म्यूजिक को ही अपनी जो है वो लाइफ बना लेगी। शी ऑडिशन फोर। अब उसने क्या किया, परीक्षण दिया, कहाँ पर, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उस अकादमी के इतिहास में वो पहली लड़की थी जिसने सबसे अत्यधिक मार्क्स जो है वो प्राप्त किए थे। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कोर्स, एट द एंड ऑफ, यस, एनी टाइप ऑफ, सो व्हाट डिड द ऑथर वांट टू से, कि अब उसको क्या, उसने क्या किया, ऐसा प्रदर्शन दिया, ऐसा ऑडिशन दिया कि वो कभी भी उस एकेडमी की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी किसी ने नहीं दिया था। तो उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपनी म्यूजिक का परीक्षण दिया, और एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वालों में से वो अकेली एक लड़की थी। ओके, शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से हटकर सोलो परफॉर्मेंसेस जो है वो देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और उसके 3 साल के पाठ्यक्रम के पूरे हो जाने के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में उसने
लगभग सभी उज्जवल इनाम प्राप्त कर लिए थे। उसको हर एक उस हेड कैप्चर ले चुकी थी। बहुत सारे ऑनर्स, बहुत सारे अवार्ड्स जो है वो ऑलरेडी जीत चुकी थी। नाउ फिफ्थ पैराग्राफ, एंड फॉर ऑल दिस And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. अब वो क्या कहना चाहते हैं कि इतना होने पर भी Evelyn ने जरा सा भी मानने का संकेत नहीं दिया। उसने कुछ भी ऐसा शो नहीं किया कि वो इतना होने पर भी Evelyn ने जरा सा भी मानने का संकेत नहीं देती। If you work hard and know where are you going, you will get there. और उसने अपनी बड़ी बहादुरी पूर्वक उपलब्धि प्राप्त की है। उसने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है। If you work hard, अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो आप बहुत तो जाने जाते हो और आपको कहाँ पहुंचना है और आपको कहां तक पहुंचाया जा सकता है, इट विल बी द डिसीजन ऑफ। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वन, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप एंड वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रोक्योनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब उसने कहा कि अगर आप परिश्रम करते हो तो आप जानते हो कि आपको कहाँ पहुंचना है और आपको कहाँ कितना जो है वो देना है, ठीक है, कहाँ तक जाना है और कहाँ तक दुनिया को लेकर जाना है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और संसार की सबसे ज्यादा मांग की जाने वाली बहुमुखी ताल वादक जिसे लगभग 1000 वाद्य यंत्रों का पूर्ण ज्ञान था, जिसका जो व्यस्तम है अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चलता रहता है, उसे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो है वो शेड्यूल था कहीं ना कहीं होता है, डिसाइडेड होता है, ठीक है, वो सबसे टॉप मोस्ट की मतलब होता है ना जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, वो वैसी लड़की बन चुकी थी। It is intriguing to watch Evelyn function so effectlessly without hearing. अब वो बोल रहे हैं intriguing था, ये बहुत ज़्यादा intriguing होता है, बहुत ही व्यस्त है मैं, ये बहुत ही व्यस्त है बात थी to watch Evelyn function so effectlessly without hearing, कि बिना श्रवण शक्ति के बिना इवलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाते हुए देखने से बहुत ही आश्चर्यजनक जो है वो महसूस होता है। एन आर टू आर डिस्कशन शी हैड ट्रैवल्ड अ लॉट, इन आर टू डे टू आर एक्सप्रेशन। ओके, सो श्रवण शक्ति के बिना इवलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाते हुए देखने में ये बात बहुत हैरानी की थी। बट इन आर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, लेकिन हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक शब्द भी जो है वो मिस नहीं किया, अनसुना नहीं किया। मैन विद बुशी बीड गिव मी ट्रबल, जो इंसान झाड़ीदार दाढ़ी वाले होते हैं वो मुझे उनसे मुझे थोड़े से ट्रबल होती है। मुस्कुराई, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। ओके, सो हेयर वी डू हैव द सेम पॉइंट, इट्स होल फेस। कि वो क्या कह रहा है कि बिना प्रयास किए जाने वाले संगीत को बजाते हुए सबको बहुत हैरानी तो हो रही थी, लेकिन हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं की थी। एंड लास्टली व्हाट शी सेड, व्हाट शी वाज एक्सप्लेन्ड, लाइक उस टाइम तो कल जो था वह बहुत मतलब मींस टू से वी आर नॉट एबल टू डू
वी आर नॉट एबल टू थिंक दैट कि मेंटली डिसेबल्ड फिजिकली डिसेबल्ड विदाउट हियरिंग पावर कोई लड़की ऐसे कर सकती है, बट दैट वॉज जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस. केवल होठों को ही नहीं देखना होता है, सारे चेहरे को देखना होता है, एंड स्पेशली द आईज, और सबसे मेन है चेहरे पे आंखों को देखना. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली. यस प्लीज टेल मी. Okay, then she speak flawlessly with a Scottish lip. वो स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग से के बिना त्रुटि के बिना बोलती थी, मतलब बिना किसी जो मतलब त्रुटि के बोलती थी, यानी कि बिना मिस्टेक के जो है वो बोलती थी बिल्कुल स्कॉटलैंड लाइन में. My speech is clear. मेरी जो बात है, मेरी भाषा है वो बिल्कुल क्लियर है. बिकॉज I could hear till I was 11. इसलिए साफ है क्योंकि 11 वर्ष की उम्र तक तो मैं कुछ सुन सकती थी. But that was not explained how she managed to learn French and matter all the sides. What is actually given here? Yes. So उसकी भाषा क्योंकि 11 साल की उम्र तक तो वो सब कुछ सुन पा रही थी. She says वो कहती है, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. किंतु इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि उसने फ्रांस की भाषा के वे बुनियादी आंसर से हम क्यों नहीं. ओके, सो शी मैनेज, उसके पास ये बात स्पष्ट नहीं होती कि उसने फ्रेंच भाषा को और जापानीज भाषा को सीखा कैसे. नेक्स्ट पार्ट नंबर 7. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी. उसने कहा एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, जहाँ म्यूजिक की बात है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी. वो कहती है कि जहाँ तक म्यूजिक की बात है, ये फर्स्ट कहती हूँ कि ये मेरे शरीर के हर अंग में से पोर बहता है या प्रवेश करता है. इट टिंकल्स इन द स्किन, ये मेरी त्वचा को, मेरी जो स्किन है उसको क्या करते हैं, उसमें एक टिंगलिंग, एक सनसनाहट सी पैदा कर देते हैं. सो व्हेन शी प्ले द ज़ाइलोफोन, जब वो ज़ाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, कि उसके फिंगर टिप से जो बज रही है उसकी आवाज को, जो आवाज है वो उसके कानों तक जो है वो पहुंच रही है. ठीक है, तो जब वो ज़ाइलोफोन बजाती है तो जो ध्वनियां हैं छड़ियों में से होकर अपनी उंगलियों के छोरों में प्रवेश कर जाती है, अपने उंगली के दोनों सिरों पर जो है वो कंप्लीट इन्वॉल्व हो जाती है. ओके, सो आई होप यू विल क्लियर इट. नेक्स्ट. Yes, by learning against the drum, ढोलो को बजाने का सहायता लेते हुए, she can feel the resonances, resonances होता है गूंज. Okay, वो रेंज को चेक कर सकती है, flowing into her body, अपनी बॉडी में कहीं भी है और बुक में. Okay, and on a wooden platform, she removes her school. Modern school में ऐसा नहीं होता था. Okay, and nextly, she removes her shoes to show that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. तो जब वो platform, wooden platform पे जाती थी ना, तो अक्सर वो अपने shoes जो हैं वो उतार देती थी, क्योंकि शूज को उतारने से ही, नंगे पैर रहने से ही उसकी जो बॉडी है उसमें वाइब्रेशंस जो है वो महसूस होती है, और वो जो वाइब्रेशंस है ना वो उसकी पांव की उंगली में लग जाता है. ओके, नेक्स्ट वन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस.
नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। अब उसने क्या कहा कि इसमें कोई हैरानी वाली बात तो नहीं थी, लेकिन इवलिन अपने श्रोताओं का भरपूर जो है वो मतलब उनको एंटरटेन करना चाहती थी, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती थी। सोसाइटीज प्रेस्टीजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग मस्ट हैज बीन गिवन बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हिच ही व्हाट ही हियर शी कैन नॉट फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। ओके सो व्हाट इज एक्चुअली गिवन हियर कि उसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसके सामने ऑडियंस जो है वो पूरा इंजॉय कर रही है। सो उसने कहा है कि 1991 में उसने रॉयल एकेडमी की म्यूजिक में पीपीटी निकाली है। ओके सो इन दैट ओके सो व्हाट इज एक्चुअली गिवन कि ढोल बजाने वाले जो गुरु थे जो उसके रॉन फॉर्ब्स थे वो कहते हैं कि ईश्वर ने उसकी मतलब सुनने की पावर तो बेशक ले ली है। ठीक गॉड हैव टेकन हर हियरिंग पावर ले ली है, लेकिन उसको इससे भी बड़ी चीज जो है वो उपहार में दी है। व्हाट वी हियर शी फील्स जो हम सिर्फ सुनते हैं वो उस बात को महसूस कर लेती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। ओके यस गुड सो व्हाट वी हियर शी फील्स जो सुनेगी वो हमें सुनना पड़ेगा। ओके सो यस इट वॉज एक्सप्रेस्ड म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, बहुत अच्छे से हर एक चीज को जो है वो सेट किया गया था कि हमसे और अधिक गहराई के साथ उस चीज को अनुभव करके। यही कारण था कि वो संगीत के इतने सुंदर ढंग को जो है वो प्रेजेंट कर सकती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर टू, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ द वर्कहोलिक। अब उसने कन्विंस किया कि वो मतलब रेडी है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि कुछ ना कुछ जो है वो जो एवलिन ग्लानी कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, उसे किसी चीज का मतलब वर्कहोलिक नशा जरूर है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे सिर्फ काम ही करना है। अदर हार्डन देन म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिशियन, और भी ज्यादा हार्ड वर्क होके काम करना है जितने ये जो है शक्ति शास्त्रीय संगीत के जो म्यूजिशियन यहाँ बैठे हुए हैं मुझे इनसे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना है। ठीक है बट द रिवॉर्ड आर एनॉर्मस, लेकिन जो प्राइस है जो गिफ्ट है ना वो बहुत सारे थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजंस एंड हॉस्पिटल। जो एवलिन है वो अपने सिर्फ चैरिटी के लिए अपने काम को सबके आगे दिखाने के लिए शी ऑलवेज गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजंस एंड हॉस्पिटल्स टू, एंड शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और वो जो यंग म्यूजिशियन है ना उनको बजाने के लिए जो हमेशा क्या है सिखाने के लिए उनको हमेशा तत्पर रहती थी, हमेशा प्रायोरिटी देती थी। एन रिचलिन, अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो एन रिचलिन थी, समझ आई, जो हमारी युवा पीढ़ी के जो संगीतकार थे युवा संगीतकारों के कक्षाओं को भी यदि महत्व देती थी। और बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, फॉर डीफ चिल्ड्रन एक ऐसी एन रचलित स्टोरी थी, ठीक है, इन विच शी सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि ये एक बहुत बड़ा मौका है आप सबके पास। ओके सो नेक्स्टली व्हाट एक्चुअली इज देयर दैट इन स्कूल बीथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज द शाइनिंग इंस्पिरेशन। अब वहां पे वो उन बच्चों को सिखाती है तो वो एक इंस्पिरेशन का सोर्स है उन लोगों के लिए जो डीप हैं। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट व्हाट दे कैन नॉट गो, वो देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा, एवलिन ग्लानी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज।
एवलिन ग्लेनी अपने आयु के दुगने बड़े लोगों से बहुत अधिक सक्सेसफुल जो है वो पा चुकी थी. शी हैज ब्रॉट प्रोक्यूनिस्ट इन द फोर फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा. उसने ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में सबसे अव्वल जो है स्थान वो जो है प्राप्त किया था. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कैन बी एवरी देन कैन बी वेरी मूविंग. एंड शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. और वो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई जो क्या थी, फिजिकली हैंडीकैप थी. पीपल हु लुक टू हर एंड से, वो लोग जो उसकी तरफ देखते थे और वो कहते थे इफ शी कैन डू इट, कि जो फिजिकल डिसेबल्ड लोग थे जिनको जिनके लिए एवलिन ग्लेनी एक इंस्पिरेशन का सोर्स थी, वो बच्चे जो हैं वो उसकी तरफ देखते थे और कहते थे इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है आई कैन, तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉमिनस प्लेजर्स टू मिलियन. और उसने बढ़कर ये बात बोली कि उसने लाखों लोगों को बहुत ही ज्यादा मनोरंजन कराया है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.